रेलवे स्टेशन में जीआरपी थाना की पार्किंग में स्टाफ से अधिक गाड़ियां रोजाना देखी जा सकती है। लोग बेखौफ होकर शासकीय रेलवे पुलिस थाना की पार्किंग में अपनी गाड़ियां रखकर निकल जाते हैं। पकड़े जाने पर अप्रोच दिखाने से भी पीछे नहीं हटते। वर्तमान में जीआरपी के कुल स्टाफ की संख्या उतनी नहीं जितनी की सुबह से शाम तक थाना की पार्किंग में गाड़ियां देखी जा सकती है। इस सबके चलते जीआरपी के लोग भी खासे परेशान हैं। जानकारी के अनुसार कुछ समय पूर्व एक सिपाही की तैनाती भी बाहरी गाड़ियों पर कार्रवाई करने के लिए की गई थी। हाँ, पूर्व में वहाँ पर एक आरक्षक की ड्यूटी नियुक्त किया जाता था, जिसमें मतलब जो बाहर के मोटरसाइकिल या जो भी खड़ा करते हैं गाड़ी, उसके लिए वो उनको स्टैंड में पार्किंग करने के लिए निर्देश दिया जाता था उनके द्वारा। तो इसे कंट्रोल था वहाँ पर। और वर्ष के लास्ट में कर्मचारी अवकाश में और कुछ स्थानांतरण में कमी होने से पाइन ड्यूटी वहाँ पर नहीं लगाया जा रहा था। इस कारण से थोड़ा अव्यवस्था वहाँ पर देखी जा रही थी। अभी फिर से वहाँ पर पाइन ड्यूटी लगाकर उसको व्यवस्थित किया जाता है। हाँ, इसमें क्या है, पार्सल में भी जो सामान पार्सल करवाने के लिए आ रहे हैं वो भी खड़ा कर दे रहे हैं। यात्री जो अपने रिश्तेदारों को लेकर लेने आ रहे हैं छोड़ने, तो वो स्टैंड में खड़ा ना करके उधर साइड में खड़ा कर देते थे। तो उसमें क्या है, कर्मचारी नियुक्त रहने से वो उनको पार्किंग में खड़ा करने, नो पार्किंग में खड़ा करने से मना करते हैं, जिससे वो व्यवस्थित रहता है। हाँ, इसमें भी ये है कि जो और शासकीय कर्मचारी हैं जो पुलिस से संबंधित हैं, तो वो भी मतलब यहाँ पर थाने का पार्किंग है उसमें खड़ा करते हैं। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।